नमस्ते, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा वीडियो लेकर आई हूँ। तो देखिए, अक्सर हम बाज़ार से कोई भी चीज़ खरीदते हैं, जैसे कि टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, बहुत सारे सामान हैं। तो कोई सा भी सामान खरीदते हैं तो उसकी पैकिंग में इस प्रकार के फोम के मोटे मोटे गत्ते आते हैं, जो कार्डबोर्ड के गत्ते आते हैं उसके अंदर इस प्रकार की पैकिंग आती हैं, जिससे कि सामान कोई टूट फूट नहीं हो जाए। वैसे तो थर्माकोल के भी आते हैं और कभी कभी फोम के भी आते हैं। तो देखिए, मेरे पास ये कंप्यूटर की पैकिंग का फोम के बहुत ही बड़े बड़े गत्ते पड़े थे, तो मैंने सोचा इनका इस्तेमाल किया जाए और बहुत ही प्यारा आइटम बनाया जाए। तो बहुत ही प्यारा वीडियो है, वीडियो पर बने रहें। और वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो देखिए, ये फोम शीट के जो भी गत्ते हैं इनको मैंने अलग अलग कर दिए हैं, सब बराबर साइज में हैं और इनकी मोटाई लगभग 3 इंच है, देखिए, और चौड़ाई भी है इसकी 4 से 5 इंच। और इससे पतले भी आते हैं और मोटे भी आते हैं। तो हमें क्या करना है, जिसकी इसकी मोटाई है उसकी तरफ थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे और इसको इस प्रकार यहाँ पर चिपका देंगे दूसरे वाले पीस को। देखिए, तो बहुत ही प्यारा आइटम बनने वाला है, जो बाज़ार से हम बहुत ही महंगे और बहुत सारे पैसे दे के ख़रीदते हैं, तो बहुत ही प्यारा आइडिया है। तो देखिए इस प्रकार, देखिए दूसरे वाले के ऊपर भी हम थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे और दूसरे वाले को भी चिपका देंगे, फिर इसके ऊपर और ग्लू लगाएंगे और चिपका देंगे। तो देखिए, बराबर साइज के मेरे पास यहाँ पर 4 गत्ते पड़े थे फोम के, तो इन चारों को इस प्रकार चिपका देंगे। थोड़े चिपकाने में परेशानी आ रही थी तो मैंने एक धागे से इनको बांध दिया है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। अब देखिए, धागे को हम बंधा रहने देंगे, इसको खोले देंगे नहीं, क्योंकि हमें इसमें कोई परेशानी नहीं अगर बंधा भी रहे तो। फिर इसके बाद में आप कोई सा भी पुराना कपड़ा ले सकते हैं, पुराना टॉवल, बेडशीट या कोई भी कपड़ा हो तो वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पुराना प्लाजो लिया है मेरा, और इसकी सिलाई निकाल कर देखिए, कपड़े को एकदम सही से मैंने प्रेस कर दिया है। अब हमें क्या करना है, देखिए, इससे जो हमने ये पीस तैयार किया है फोम का गत्ते का, तो उससे लगभग दोनों इसके चारों तरफ 2-2 इंच इतना छोड़ना है और फिर बाकी इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए, तो यहाँ पर डबल कपड़ा है, दोनों कपड़ों की सीधी साइड अंदर की साइड में है। तो देखिए, यहाँ पर कटिंग मैंने कर दी है, अब इसके तीनों ओर हमें सिलाई लगानी होगी। देखिए, तो देखिए यहाँ पर 3 तरफ मैंने सिलाई लगा दी है। ऊपर का मुंह इसका खुला रखा है और ऊपर वैसे ही ये फोल्ड है तो मैंने फोल्ड नहीं किया है। अगर आपके पास सिंगल पीस है तो आप एक तरफ से इसका मुंह फोल्ड कर दीजिएगा। अब देखिए, 3 तरफ सिलाई लगाने के बाद में यहाँ पर कोने को इस प्रकार मिलाएंगे, कोने को एकदम अच्छे से, और यहाँ पर लगभग 3 इंच इतनी सिलाई लगा देंगे। देखिए, इस प्रकार मिलाएंगे कोने को और फिर यहाँ पर 3 इंच इतनी सिलाई लगा देंगे, क्योंकि अपने गत्ते की मोटाई 3 इंच है तो इसलिए 3 इंच की सिलाई लगा देंगे। फिर एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है उसे कट करके निकाल देंगे। तो देखिए, इस प्रकार इसका शेप आएगा यहाँ पर। फिर देखिए, इसको सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद में जो हमने फोम शीट के गत्ते का जो पीस तैयार किया था, ग्लू लगा कर चिपकाया था, वो इसके अंदर डाल देंगे। देखिए, तो पहले इसको अच्छे से सेट कर देते हैं और फिर इसको अंदर डाल देंगे। मैंने धागा बंधा ही रखा है, मैंने सोचा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको, और देखिए इसको इस प्रकार अंदर कर देंगे। और आप ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हो तो अगर आपके पास और भी गत्ते हो तो उसमें और भी चिपका सकते हो। देखिए, तो ये कोने यहाँ पर सेट हो गए हैं अच्छे से, देखिए जो हमने कोने पर सिलाई लगाई थी वो, और देखिए ये फिक्स बना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मुंह बंद करते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो इस प्रकार फोल्ड करेंगे जिससे कि इसका शेप एकदम अच्छे से आए, और इस प्रकार देखिए यहाँ पर इस प्रकार फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, यहाँ पर हाथों की सहायता से सिलाई लगाएंगे, मशीन पर इसकी सिलाई नहीं लगेगी, लग तो जाएगी पर लगाएं कैसे। चलो, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार मैं सुई धागे की सहायता से सिलाई लगा दूंगी। और आप चाहो तो इसका कवर भी बना सकते हो, सेम जैसे कि हमने ये बनाया है इसी प्रकार कवर भी बना सकते हो। और अगर आप चाहो तो ज़िपर वाला भी कवर बना सकते हो, आगे ज़िपर लगाकर। तो देखिए, एक कवर मैंने पहले बना रखा है ज़िपर वाला, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी लास्ट में। तो देखिए, इस प्रकार हम सिलाई लगा देंगे, मोटी मोटी सिलाई लगा देंगे। और ये तो अंदर का कवर है, इसके ऊपर एक और कवर बनाऊंगी मैं कभी,
तो वो भी सेम तरीका ऐसे ही रहेगा। देखिए लास्ट में वापस से कोने को अच्छे से सेट करेंगे ताकि इसके कोने अच्छे से निकले, और यहाँ पर भी हम सिलाई लगा देंगे। देखिए तो देखिए यहाँ पर आखिरी तक सिलाई लग गई है। धागे को कट कर देना है और देखिए ये बहुत ही प्यारा हमारा एक गद्दा बनकर तैयार हो गया है। आप चाहो तो ज़मीन पर इसको लेकर बैठ सकते हो, और आप चाहो तो किसी कुर्सी या किसी पर भी गद्दे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो बैठने के लिए। तो कितना प्यारा हमारा एक फ्लोर सोफा बोल सकते हो। आप चाहो तो इसको और भी ऊंचा बना सकते हो, आपके पास और ज़्यादा गद्दे हो तो, सॉरी। तो देखिए बहुत ही गुदगुदा सा बना है, बहुत ही प्यारा बना है। तो बहुत ही प्यारा आइडिया है, ये आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। और इसके अलावा आप इसको और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज ले सकते हो। देखिए आप पूजा में भी बैठ सकते हो इस आसन पे और भी कवर चढ़ा के। तो मैं बाद में इसका कवर बनाऊंगी एक और अभी मेरे को ऐसा कपड़ा मिला नहीं कि जिससे इसका और भी लुक प्यारा आए, तो इसलिए मैंने बनाया नहीं। और देखिए इसके अलावा मेरे पास ये छोटे छोटे गत्ते और बच गए हैं फोम शीट के, तो देखिए इनका भी मैं कुछ ना कुछ ज़रूर बनाऊंगी। तो बहुत ही जल्द वीडियो आएगा ये भी आपके पास। तो अभी तो इनको संभाल कर रख दूंगी। आप चाहो तो छोटा सा भी बना सकते हो आसन बैठने के लिए, देखिए। और इसके डबल ऊपर और लगा दीजिएगा, बहुत ही ऊंचा और अच्छा सा एक छोटा सा आसन हो जाएगा बैठने के लिए। तो इस प्रकार भी आप बना सकते हो। तो देखिए अभी मैं आपको और बताती हूँ, आपके पास ज़्यादा मोटा गत्ता नहीं है तो देखिए मैंने ये स्टूल का कवर बनाया था, ये भी मैंने एक मोटी फोम से ही बनाया था जो उसकी मोटाई लगभग एक से डेढ़ इंच थी। और इसमें भी मैंने फोम शीट डाली थी, इसके चारों तरफ फ्रिल लगाते हुए ये तैयार किया था। तो इस प्रकार आप छोटे मोटे आसन बना सकते हो जो बहुत ही प्यारे लगेंगे। तो ये मैंने अपने स्टूल के लिए बनाया था और बहुत ही प्यारा लगता है स्टूल पर रखने के लिए के बाद, सॉरी। और देखिए इसके अलावा मैंने कुर्सी के लिए ये गत्ता बनाया था, बहुत ही प्यारा बना है। इसमें मैंने जिपर वाला ये कवर बनाया है और इसी प्रकार का मैं कवर बनाऊंगी, पर सेम ऐसा ही कपड़ा मिलेगा तब बनाऊंगी। तो इसीलिए मैंने आज ऐसा सेम कपड़ा नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने नहीं बनाया है। तो देखिए ये कुर्सी के लिए बनाया था मैंने, जो प्लास्टिक वाली कुर्सी होती है ना उसके लिए। तो इनका भी मैं जल्द कुछ ना कुछ बनाऊंगी। आप चाहो तो अपनी ताक, जो ताक वगैरह होती है उसमें कुछ भी सामान डेकोर करके रख सकते हैं, इसका बहुत ही प्यारे प्यारे सामान बन जाएंगे। मंदिर को डेकोर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी तब एक बार मैंने मंदिर डेकोर किया था इस प्रकार के गत्ते से। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा। बाय बाय।